रीवा में अब तक 55.42% मतदान, जिले में 124 बूथों पर सिर्फ महिला। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं एमपी की दिन भर की बड़ी खबरों पर। रीवा जिले में मतदान के प्रति लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के परसेंट में धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में रीवा जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर मतदाता काफी उत्साह के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 55.42% मतदान दर्ज किया जा चुका है। जिले में मनगवा विधानसभा सीट पर सबसे कम यानी 52.12%, तो वहीं सेमरिया विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा यानी 58.95% मतदान हो चुका है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इंदौर 4 में मालिनी गौड़ के बेटे ने कांग्रेसियों को पीटा। जय झूलेलाल कहने पर शुरू हुआ विवाद। दोपहर 3 बजे तक 53.12% वोटिंग। इंदौर जिले की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे तक जिले में औसत 53.12% वोटिंग हुई। शहरी सीटों पर वोटिंग धीमी है। देपालपुर में सुबह से ही सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। पुरुषों ने 61.31%, तो महिलाओं ने 63.32% वोटिंग की। 2018 चुनाव में 1 बजे तक जिले में औसत 55.2% वोटिंग हुई थी। भोपाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तक 45.34% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक 7.13, 11 बजे तक 19.30 और दोपहर 1 बजे तक 32.83% मतदान हुआ। 1 बजे से 3 बजे के बीच 12.51% वोट डाले। शहर के कई मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। कलेक्टर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदान दलों को मतदान की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का बसपा जिलाध्यक्ष को धमकाने का ऑडियो। जिलाध्यक्ष बोला, मेरी जान को खतरा। ग्वालियर पूर्व में मतदान पर भाजपा कांग्रेसियों में विवाद। ग्वालियर में मतदान से कुछ घंटे पहले ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर बसपा जिलाध्यक्ष को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। जिलाध्यक्ष सतीश ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि साहब सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ता दीपू जाटव को फोन पर धमकी दी है। शुक्रवार को मतदान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ग्वालियर पूर्व विधानसभा के थाटीपुर में मतदान और हार जीत को लेकर भाजपा कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें एक का सिर फूट गया तो एक के हाथ में चोट है। इसके अलावा कंपू में बीएलओ से मारपीट हुई है। जबलपुर में 3 बजे तक 58.09% वोटिंग। पाटन में सबसे ज्यादा और जबलपुर पूर्व में सबसे कम वोटिंग। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। जबलपुर में 8 विधानसभा के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। जबलपुर जिले में 2130 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 504 संवेदनशील बूथ हैं, 50 आदर्श मतदान केंद्र हैं, 22 ग्रीन बूथ हैं और 7 दिव्यांग केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। यहां पर पूर्व विधानसभा से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी दम दिखा रही है। सीधी की 4 सीटों पर मतदान। जिले से 56 प्रत्याशी मैदान में। अब तक 52.07% मतदान। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। यहां 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिले में दोपहर 3 बजे तक 52.07% मतदान हुआ है। सीधी जिले के ग्राम सोनबरसा सहित 2 अन्य गांवों में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के चलते वोटिंग रुक गई है, जो सुधार के बाद 40 मिनट में शुरू हो गई। जनसंपर्क अधिकारी सीधी मुकेश मिश्रा ने बताया कि कुछ समय के लिए तकनीकी खराबी थी जो सॉल्व कर ली गई है। अब लगातार मतदान हो रहा है, ऐसी कोई भी समस्या क्षेत्र में अभी नहीं है। सागर में दोपहर 3 बजे तक 59.29% मतदान। रैली में सबसे अधिक 66% मतदान। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कांग्रेसियों ने लगाया मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 59.29% मतदान हो चुका है। जिले में 2118 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 597 संवेदनशील हैं। वहीं 58 आदर्श मतदान केंद्र और 227 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं बंडा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी भी दम दिखा रही है।
मुरैना में मतदान के बीच गोलियां चली, पथराव। लोग बोले मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन निरंकुश, वोटिंग से रोक रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 200 सीटों पर मतदान के बीच हिंसा की खबरें आ रही हैं। मुरैना जिले की हाई प्रोफाइल सीट दिमनी में गोलियां चल रही हैं, पथराव भी हुआ। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, 3 से 4 अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना सामने आई है। दिमनी से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से रविन्द्र तोमर उनके मुकाबले में। एमपी में 230 सीटों पर 60.52% वोटिंग, छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी पर हत्या का केस। इंदौर में विधायक के बेटे ने कांग्रेसियों को पीटा, इंदौर 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। वीडियो में भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा की गाड़ी चला रहे पार्षद की कुचलने से मौत हो गई। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित उनके 18-20 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। मुरैना जिले के दिमनी के एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हो गई। ऑस्ट्रेलिया पर भारी टीम इंडिया। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में अब तक 7 भिड़ंत, 4 में जीते लेकिन 2 फाइनल गवाए भी। साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना ली है। अब टीम का सामना 19 नवंबर को अहमदाबाद में मेजबान भारत से होगा। ये किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में दोनों टीमों की 8वीं भिड़ंत होगी, यानी अब तक 7 मैच हो चुके हैं। वनडे वर्ल्ड कप में दोनों के बीच 4था नॉकआउट मुकाबला होगा। इसके अलावा 1 भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप में, 2 चैंपियंस ट्रॉफी में और 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हुई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।